हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा वृत्ति से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उनकी भी रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है आपकी वेरिफिकेशन को लेकर। सेकंड क्वेश्चन है कि बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि सर, हमारी जो जनजाति विभाग की पोस्ट है, चाहे वर्ग एक की बात करें, वर्ग दो की, तो उसके संबंध में भी आप अपडेट बताएं कि उसकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो उस बारे में भी बात करेंगे। साथ में बहुत सारा कंफ्यूजन वर्ग तीन वालों के मन में भी है, 26 सितंबर को एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो इस बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को थैंक्स इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए। हमारी इस मुहिम को बल मिलाए श्री वृंदावन मीना जी के सपोर्ट से दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में हर जिले से एक संगठन इकाई खड़ी कर ली, और इसका ही असर हुआ कि फ्राइडे को हर जिले से एक साथ ज्ञापन दिए गए, और ज्ञापन का असर ये हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो और सोशल मीडिया, सब पर ये जो टॉपिक है वो छाया रहा। हर एक ने इसे कवर किया, हर एक न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आपका टॉपिक छाया रहा। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और ये संगठन अब बना रहना चाहिए। और कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए अलग अलग संगठनों की, जो इसको समर्थन करना चाहते हैं। अब तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हमारे जो श्री वृंदावन मीना जी हैं, उनसे आप जुड़े, उन्हें सशक्त बनाएं, जिससे कि आगे की जो मुहिम है उसको बल मिल सके। जहां तक बात करें दोस्तों, हर जिले से संगठन इकाई तैयार हो चुकी है, और इसमें जो संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग मुझे भी अपना नंबर शेयर करते हैं, डायरेक्ट श्री वृंदावन मीना जी को भी नंबर शेयर करते हैं, और एक जो ग्रुप है वो हर जिले में सशक्त होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि तहसील लेवल पे भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अब हमारा जो संगठन है दोस्तों, वो काफी बढ़ रहा है, और यही हमारा अब दायित्व है कि जो हमारे पास अब संख्या बल है, उससे हम जो भी मांग करेंगे उस पर विचार जरूर होगा। यानी कि हम एक साथ हर जिले से मांग करेंगे दोस्तों, तो वो चीज ट्रेंड में आएगी, वो चीज न्यूज में आएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन से जुड़े बहुत से लोग आपके बीच में से हैं दोस्तों, और अलग अलग तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। और जहां भी हमारे जो मंत्रिमंडल के पदाधिकारी हो गए, मंत्री जी हो गए, उन्हें भी ज्ञापन से अपनी बात पहुंचा रहे हैं नियम अनुसार। तो अब एक मुहिम बहुत बड़ी बन चुकी है दोस्तों, हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी। अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, और हर हालत में, क्योंकि मैं मानता हूं कि भर्ती 2018 की है, 2020 निकल चुका है, और इतनी लंबी समय शायद ही किसी भर्ती ने लिया हो जो कि शिक्षक भर्ती ले रही है। तो एक ही डिमांड है कि 2020 में ही हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और मैं थैंक्स कहूंगा वृंदावन मीना जी से, जो मुझे जोड़ा है वो हमारे हैं श्री देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी कमेंट की थी, और कहा था कि सर, ये भी आप जैसे ही हैं और एक प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्यों ना इनसे जुड़ जाएं। और मैं लकी हूं कि उनसे जुड़ गया, और उनकी मुहिम को छोटा ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो समर्थन कर रहा हूं। और आपका समर्थन सबसे बड़ा है दोस्तों, क्योंकि आपके समर्थन के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो सबसे बड़ा समर्थन जो मेरा वीडियो देख रहा है, और फिर उन जनुअल चैनल का समर्थन जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर हमारे जो श्री वृंदावन मीना जी हैं, वो तो है ही हमारे जो कहें कि सूत्रधार, तो डेफिनेटली उनका तो सबसे बड़ा थैंक्स। अब इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। बात करें हम आपके जनजाति विभाग की, चाहे मैं वर्ग एक की बात करूं, वर्ग दो की बात करूं, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो ज्ञापन दिए गए हैं वो दोनों विभागों की पोस्टों को मिलाकर दिए गए हैं। यानी वर्ग दो में 11,000 से ऊपर समथिंग पोस्ट हैं, उन पर ज्ञापन दिए गए हैं कि भर्ती शुरू की जाए। आपके 19,000 यानी कि 15,000 पे अभी भर्ती हो रही है, 2,000 पे बाद में भर्ती होगी आपकी। ऐसे वर्ग एक में 17,000 भर्ती है, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यानी कंफ्यूजन में आ जाओ कि सर 15,000 पोस्टों पर भर्ती हो रही है, 17,000 कहाँ है, वो टोटल 17,000 है। नोटिफिकेशन में लिखा है सेकेंड राउंड में 2,000 पोस्टें और निकलेंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऐसे कुल मिला के 17,000। और आपके जो 2,200 पोस्ट हैं जनजाति विभाग की हैं वर्ग एक की, उन्हें जोड़कर 19,000 समथिंग पोस्टों को लेकर वर्ग एक के लिए ज्ञापन दिया गया। तो यानी कि जो अभियान चलाया जा रहा है वो जनजाति विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को संयुक्त करके चलाया जा रहा है। दोनों की डिमांड की जा रही है कि दोनों में भर्ती या काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए।
और यहाँ पर उदाहरण हम ले रहे हैं दोस्तों आसपास के राज्यों से, क्योंकि वहां पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है भर्ती वगैरह जो उसकी कार्य प्रणाली है उसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अपनी जगह है, उससे एहतियात बरती जाएगी, जो भी गाइडलाइंस है उसका संपूर्ण पालन किया जाएगा, आवागमन के साधन भी अब खुल गए हैं दोस्तों। तो ये जो दो चीजें थी सबसे बड़ी, ये आवागमन के साधन और कोरोना वायरस, उससे एहतियात बरतते हुए और उसे पूर्ण करते हुए हमारे वेरिफिकेशन शुरू की जाए, यही डिमांड की जा रही है। और इसमें बहुत सारे संगठन भी आ गए हैं, तो डेफिनेटली एक साथ मिलकर सब काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि कल बहुत सारे संगठन को भी मेरे पास मैसेज आया और मैंने यही कहा कि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल थे जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनका भी ध्यान इस तरफ हो रहा है कि वर्ग एक और वर्ग दो का समर्थन करना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत सुखद न्यूज है, बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो शुरू से ही कहता था कि सभी, चाहे सोशल मीडिया पर जितने भी चैनल हो, जो भी जनरल चैनल है उन्हीं की बात करता हूँ, क्योंकि वो ही इसका समर्थन कर सकते हैं, और उससे हम जो है उम्मीद नहीं रख सकते और ना रखनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जनरल चैनल है वो भी सब समर्थन में है, आप जैसे लोग समर्थन में है, प्रयास जारी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा रही है, सफलता तो मिलना निश्चित है। अब बात करें यहाँ पर वर्ग तीन की, तो दोस्तों वर्ग तीन आपकी 26 सितंबर डेट बताई गई है। कंफ्यूजन में आप ये हो कि 26 सितंबर को एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर दो तरह के लोग मुझे सामने आए हैं, पहले तो ये जिनकी तैयारी पूर्ण है तो वो इस टेंशन में है कि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं हुए तो फिर डेट्स आगे बढ़ गई तो फिर हमें और पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सेकंड वे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है कंप्लीट और वो चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय मिल जाना चाहिए, जबकि यही बात आपने 25 अप्रैल के एग्जाम में भी कही थी कि सर थोड़ा और समय मिल जाए तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल से लेके और 26 सितंबर तक का जो बीच का समय वो तो आपको मिला ही, अब आपने उसे कैसे यूज किया वो आप बेहतर जान सकते हो, क्योंकि आपकी दिनचर्या आप ही डिजाइन करते हो। अब बात करें हम 26 सितंबर की, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन डेटों के चक्रों में उलझो ही नहीं, आपकी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए। आपका हर दिन एग्जाम है, हर दिन एग्जाम कैसे है दोस्तों कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो जो आपने आवर्स डिसाइड किए हैं, जो घंटे आपने डिसाइड किए हैं, वो पूर्ण कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये एग्जाम की तरह होता है। हर दिन आप एग्जाम दे रहे हो, अपनी तैयारी में हर दिन सफल हो रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन जब एग्जाम होगा आप अच्छा स्कोर लाओगे। और यदि आप हर दिन अपनी तैयारी में असफल हो रहे हो तो जब एग्जाम में बैठोगे वहां असफलता के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, तो एग्जाम सिर्फ 26 सितंबर को नहीं है, आपकी तैयारी डेली है, वो आपका एक एग्जाम ही है। और इस एग्जाम में यदि आप सफल होते चले गए, यानी कि 26 सितंबर को एग्जाम हुआ तो आप अपना बेस्ट दोगे, और यदि डेट्स आगे बढ़ गई और तब भी आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो 100% सिलेक्शन होगा ही। यहाँ पर तीन कैटेगरी मान के चलें, एक वो जो फेल होंगे, एक वो जो पास होंगे, एक वो जो एवरेज नंबर लाएंगे, तीनों को ही जॉब नहीं मिलनी। जो एवरेज से ऊपर उठ जाएगा उसे जॉब मिलेगी वर्ग तीन में। तो ये तीनों कैटेगरी में हमें नहीं रहना है। जो फेल होंगे वो क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि वो इस पढ़ाई को सीरियसली ले ही नहीं रहे। तो उनका ये होगा कि यदि वो रिजर्वेशन में है 75 नंबर लाने हैं तो उससे कम आएंगे, यदि वो जनरल में है तो 90 से कम आएंगे, तो वो फेल की श्रेणी में आ गए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं सेकंड बात करूं, सेकंड बात है पासिंग मार्क। पासिंग मार्क वो ला सकते हैं कि यदि आपके 10-15 दिन पहले भी उन्हें पता चल गया कि भाई आपके एग्जाम होने हैं तो वो इतनी तैयारी आराम से कर लें, क्योंकि कुछ उनकी पुरानी तैयारी होती है, कुछ नई तैयारी मिला मिलू के वो पासिंग मार्क से तो ऊपर निकल ही जाएंगे। और कुछ उनमें से होंगे एवरेज मार्क वाले जो पासिंग मार्क से भी कहीं ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर हमको लाना है वो नंबर जो हमें सिलेक्शन लिस्ट में नाम दिला दे, हमें ज्वाइनिंग दिला दे। अब जैसे वर्ग एक और वर्ग दो के जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है और आज नहीं तो कल उनकी ज्वाइनिंग होनी होनी 100% वही आपको करना है। यदि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो ज्वाइनिंग में भले समय लग जाए लेकिन ज्वाइनिंग तो मिलेगी 100%, मींस आप गवर्नमेंट टीचर बन गए।
अब जिनका भी वर्ग एक और वर्ग दो में नाम आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, 100% वो गवर्नमेंट टीचर बन गए। और बहुत बड़ी पोस्ट है, वर्ग एक से बड़ी कोई पोस्ट है ही नहीं जो सीधी भर्ती से भरी जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। भाई मैं वर्ग दो की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बड़ी पोस्ट है। और वही मैं वर्ग तीन की बात करूंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त कर लेना अपने आप में बड़ी बात है, और वर्ग तीन में भी सिलेक्ट हो गए तब भी आपने बहुत बड़ा कमाल कर लिया। तो दोस्तों इस बात को आप समझें, और फिर मैं आपसे एक ही अपील करूंगा दोस्तों, एक ही विनती करूंगा कि डेटों के चक्कर में उलझकर आप अपनी पढ़ाई बंद ना कर दें, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि 26 सितंबर को एक दिन ऐसा आएगा जब हम एग्जाम देंगे। नहीं, वो एग्जाम तो बाद की चीज है, आपका तो डेली एग्जाम है, आपकी डेली तैयारी है। उस डेली तैयारी में आप जब डेली पास होते हो, आपने सोचा कि 4 घंटे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, वो आपने पूरा कर लिया तो उस दिन आप पास हो गए। दूसरे दिन आपका मन नहीं लगा, कुछ भी हो गया, और आपने अपने जो आवर्स है चाहे 4 घंटे हो 5 घंटे हो वो नहीं पूरे कर पाए, तो उस दिन आप फेल हो गए। ऐसे पर डे आप फेल और पास होते चले आते हो, और आपकी यदि पास की परसेंटेज ज्यादा है तो आपके बेस्ट स्कोर आएगा, और यदि आपकी दिनों की फेल की संख्या ज्यादा है जहां पर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो वहां पर परसेंटेज फेलियर का ज्यादा आएगा। तो सोचो दोस्तों, एक दिन एग्जाम नहीं होना है, एग्जाम आपका डेली है, डेली तैयारी करनी है और डेली अपना बेस्ट देना है, तब जाकर आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप बेस्ट दे पाओगे। तो ये समझे दोस्तों, हमें तीनों श्रेणी में नहीं आना है, ना तो फेल की श्रेणी में आना है, ना पास की श्रेणी में आना है, ना एवरेज की श्रेणी में आना है, हमें उस श्रेणी में आना है जहां हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। क्योंकि फार्म तो 6 लाख लोगों ने भरे हैं, उसमें से बहुत लाखों ही लोग जो एग्जाम देंगे, मान लो 6 लाख में से 1 लाख एग्जाम ना भी दे 5 लाख तो देंगे ना, और 5 लाख में से कितनी पोस्टें आएंगी फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपके जो नंबर हैं और जो पोस्टें हैं उनकी कट ऑफ में आप आते हो कि नहीं आते, और वो तभी आ सकते हो जब आप बेस्ट स्कोर करोगे। तो ये है दोस्तों, तो वर्ग तीन वालों से मैं यही कहूंगा कि फिर से कि आप ना उलझें ये डेट्स के चक्कर में, क्योंकि इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 26 सितंबर को एग्जाम हो जाए तो उसकी तैयारी करो, डेट्स आगे बढ़ती है तब भी तैयारी जारी रखो। और जहां तक हम बात करें आपके वेरिफिकेशन की दोस्तों, बहुत जल्दी अपडेट आएगा, आप ये बात मानकर चलें, क्योंकि जब इतनी बड़ी मुहिम हो जाए जहां पर पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर आप छा जाओ, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? सुनी ही जाएगी। कुछ दिन में देख लेना आपका अपडेट आ जाएगा, कुछ भी अपडेट आ जाए कि भैया हम इस दिन से आपकी शुरुआत करने वाले हैं, अपडेट आएगा ही आएगा। और आगे की जो मुहिम है, क्या क्या हमें करना है, वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा, चिंता ना करें। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार जब एक साथ मिलकर कोई चीज ठान लेता है तो उसमें सफलता मिलती ही है। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।